इंस्टाग्राम पे इस टाइम ये वायरल वाले शेक शेक कुकुम्बर सैलेड बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसे बनाने में काफ़ी कम टाइम लगेगा और ये सच में काफ़ी टेस्टी भी रहता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया फ्रेश कुकुम्बर और इसके बाद हमने यहाँ पर कुकुम्बर के साइड एड्स को कट कर दिए ताकि इसका जो कड़वा वाला पार्ट है ना वो इसमें से रिमूव हो जाए। इसके बाद हमने लिया एक स्लाइसर और साथ में ये जार वाला कंटेनर। अगर आपके पास ये जार नहीं है ना तो आप नॉर्मल से बॉक्स में या फिर टिफिन बॉक्स में भी इस सैलेड को बना सकते हो। अब बिना कुछ मैशी ये मैंने यहाँ पर स्लाइसर लिया और इस कुकुम्बर जार के ऊपर ही रख के इसमें अच्छे से ग्रेट कर लिया। यहाँ पर हमें एकदम स्लाइस वाले पीसेस में कुकुम्बर को कट करना है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया ये अनियन, जिसे मैंने ऑलरेडी पील करके रखा था और अब मैंने इसे भी इसमें अच्छे से स्लाइसली ग्रेट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, लेकिन सबसे पहले हमने इसमें डाला दही, साथ में डाला इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जीरा पाउडर, थोड़े से चॉप गार्लिक और चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और लास्ट में डाला चिली फ्लेक्स। और फिर इसे बंद करके अब हमने किया इसे शेक शेक और सिर्फ एक मिनट में यहाँ पर ये हमारी ट्रेंडिंग वाली शेक शेक कुकुम्बर सैलेड बनके तैयार है। और वाह यार, सच में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई थी। बस यहाँ पर लिया हमने चॉपस्टिक और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। और जब मैंने इसे टेस्ट किया ना यार, सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, क्योंकि इसमें जो दही का फ्लेवर आ रहा था सारे मसाले का। वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करना और न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।